finishes off in style. IPL 2023 में मंगलवार को महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले क्वालिफायर में हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस को 15 रनों से हरा दिया। चार बार की चैंपियन CSK ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 172 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम 20 ओवर में 157 रन पर ही सिमट गई। इस तरह से धोनी की CSK 10वीं बार फाइनल खेलने का रिकॉर्ड बनाने जा रही है। मैच के बाद गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने धोनी और उनकी कप्तानी की जमकर तारीफ की, साथ में यह भी बताया कि उनकी आगे की क्या प्लानिंग होने वाली है। क्या कुछ कहा हार्दिक पांड्या ने, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोर क्रिकेट का यूट्यूब चैनल। मैच के बाद हार्दिक पांड्या ने कहा, मुझे लगता है कि हमने गेंदबाजी में अच्छा किया लेकिन कुछ बुनियादी गलतियां हुई, इससे हमें मैच में नुकसान हुआ। हमारे पास जिस तरह के गेंदबाज थे मुझे लगा कि हमने 15 रन अतिरिक्त दे दिए। बहुत सी चीजें हमने सही की, हमने बीच बीच में कुछ सॉफ्ट गेंदे और स्लोअर वन भी फेंकी। हम अपनी योजनाओं पर अमल कर रहे थे और फिर बीच में हमने कुछ रन दे दिए। मुझे नहीं लगता कि हमें इस पर ज्यादा गौर करने की आवश्यकता है। हमें 2 दिन बाद क्वालिफायर 2 खेलना है। फाइनल में पहुंचने के लिए हमें एक और मैच खेलना है और उसे जीतना है। बस उन चीजों पर हम ध्यान दे रहे हैं जो हमने इस सीजन वास्तव में अच्छा किया है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी की तारीफ करते हुए हार्दिक पांड्या ने कहा, यही धोनी की खूबसूरती है। अपने दिमाग से और जिस तरह से वह गेंदबाजों का इस्तेमाल करते हैं, वह सुनिश्चित करते हैं कि आपको लगेगा कि वह अपने टोटल में 10 रन और जोड़ रहे हैं। हम विकेट गंवाते रहे और धोनी यह सुनिश्चित करते रहे कि वह सही गेंदबाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए मैं बेहद खुश हूँ। हम अगर अगला मैच जीतते हैं तो रविवार को फिर से धोनी के खिलाफ मैच खेलना वाकई अच्छा रहेगा। जीवन में अफसोस अच्छा नहीं होता है। हमें उम्मीद थी कि ओस आएगी लेकिन नहीं आई। हमने 15 रन अतिरिक्त दे दिए और हमने दोनों विभागों में सही से काम नहीं किया। हम 2 दिनों के बाद फिर से मैच खेलने वाले हैं और उम्मीद है कि हम उस मैच में अच्छा करेंगे। क्वालिफायर 1 जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में जाती है, तो चेन्नई सुपर किंग्स को अब 28 मई को होने वाले फाइनल में सीधा प्रवेश मिल चुका है। वहीं गुजरात टाइटंस को अब 26 मई को होने वाला क्वालिफायर 2 खेलना होगा। गुजरात के सामने बुधवार को लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाले एलिमिनेटर मैच की विजेता टीम होगी। लखनऊ और मुंबई में जो टीम जीतेगी वह क्वालिफायर 2 खेलेगी, जबकि हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। क्वालिफायर 2 जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर 10वीं बार IPL के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। चेन्नई ने 15 रनों से जीत हासिल की। चार बार चैंपियन बनने वाली चेन्नई की टीम ने शानदार वापसी की है। वह पिछले सीजन में प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच पाई थी। धोनी की कप्तानी में अब टीम 5वीं बार चैंपियन बनने के लिए 28 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलने के लिए उतरेगी। दूसरी ओर गुजरात टाइटंस इस हार के बाद बाहर नहीं हुई है। उसे फाइनल में पहुंचने के लिए दूसरा अवसर मिलेगा। वह 26 मई को अहमदाबाद में ही क्वालिफायर 2 खेलेगी। वहां उसका मुकाबला मुंबई इंडियंस या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। मुंबई और लखनऊ के बीच बुधवार 24 मई यानी कि आज एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। इस मैच में जीतने वाली टीम क्वालिफायर 2 में जाएगी। चार बार चैंपियन बनने वाली चेन्नई की टीम ने शानदार वापसी की है। वह पिछले सीजन में प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच पाई थी। धोनी की कप्तानी में इस बार टीम ने फिर से प्लेऑफ में जगह बनाई और फिर खिताबी मुकाबले में पहुंच गई। इस मैच की सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इससे पहले IPL के इतिहास में गुजरात और चेन्नई 3 मुकाबले में आमने सामने आए थे, जिसमें तीनों मैच गुजरात टाइटंस ने ही जीता था। इन तीनों जीत से हार्दिक पांड्या
कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी कि वह चेन्नई को हल्के में लेना शुरू कर दी, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि चेन्नई इस टूर्नामेंट की बाप टीम है और जितनी मजबूती से वह वापसी करना जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। धोनी के जाने के बाद इस टीम का जो भी हो, लेकिन जब तक धोनी है सीएसके को अंडर एस्टिमेट करना किसी भी टीम के लिए खतरनाक हो सकता है। इस मैच से पहले हमने वीडियो में बताया था कि इन दोनों टीमों की मजबूती उसकी बल्लेबाजी है, जहां चेन्नई के पास उसके ओपनिंग जोड़ी के अलावा शिवम दुबे और जडेजा भी हैं, वहीं गुजरात टाइटंस की पूरी बल्लेबाजी ही शुभमन गिल के ऊपर डिपेंड रहती है। ऐसे में अगर गिल फ्लॉप हुआ तो टीम संकट में आ जाएगी और इस मैच में हमें यही देखने को मिला। चेन्नई के ओपनर्स ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन गुजरात के लिए शुभमन गिल उतना योगदान नहीं दे सके जितने की टीम को आवश्यकता थी। अब यह देखना दिलचस्प होने वाला है कि चेन्नई अपने अगले मैच में किस स्ट्रेटजी के साथ उतरती है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए, साथ ही आईपीएल से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स को लगातार देखते रहने के लिए बेजोर क्रिकेट के इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।